गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम 22 अप्रैल के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। लक्ष्मण तीर्थ रिवर रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? लक्ष्मण तीर्थ रिवर कावेरी नदी की ट्रिब्यूटरी है और रिसेंटली यहाँ पर सीवियर ड्रॉट और इंसेंट हीट के कारण इसको सूखता हुआ पाया गया है। ठीक है, ड्राई अप हो रही है। कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है कर्नाटका में। ब्रह्मगिरी हिल्स से ऑरिजिनेट होती है। इट फ्लोज ईस्ट वर्ड बिफोर मर्जिंग विद द कावेरी रिवर एट कृष्ण राजा सागर लेक। लक्ष्मण तीर्थ फॉल्स या फिर इरुपू फॉल्स भी इसको कहते हैं, ये भी इसी नदी पर पाया जाता है। कावेरी नदी के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं बेसिक चीज़ें। तो ये ऑरिजिन होती है ताल कावेरी से, कुर्ग डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में जो है यहाँ पर ये मौजूद है ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ हिल्स में। बेसिन देखें तो कौन कौन से स्टेट्स में इसका बेसिन है? तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला और पुडुचेरी। और इन चारों के बीच में ही कावेरी रिवर डिस्प्यूट जो है वो भी देखने को मिलता है। ट्रिब्यूटरीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेफ्ट साइड से देखें तो हरांगी, हेमावती, शिमसा, अर्कावती और राइट साइड से हैं लक्ष्मण तीर्थ, कबानी, सुवर्णवती, भवानी, नोइल और अमरावती। ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं कावेरी की और बे ऑफ बंगाल में जाकर ये मिल जाती है। ड्रैगन फ्लाई रॉटर क्राफ्ट मिशन रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन? ये नासा से संबंधित है और इस मिशन को सैटर्न के ऑर्गेनिक रिच मून टाइटन के लिए भेजा जाएगा। इट इज़ ए डुअल क्वाडकॉप्टर डिजाइंड टू फ्लाई अक्रॉस द सरफेस ऑफ टाइटन, जो कि सैटर्न का लार्जेस्ट मून है टाइटन, उसके लिए इस मिशन को तैयार किया गया है। ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन 2034 तक ये टाइटन में पहुँचेगा। दिस मिशन विल बी नासाज फर्स्ट टू एम्प्लॉय अ फ्लाइंग व्हीकल फॉर साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन ऑन अनदर प्लेनेटरी बॉडी। Who has been appointed as the DG of NSG by the Appointments Committee of the Cabinet? तो NSG के DG अभी recently नलिन प्रभात को बनाया गया है, National Security Guard के Chief. फिलहाल ये serve कर रहे हैं as the Additional Director General of Central Reserve Police Force in जम्मू कश्मीर। अब बन गए हैं NSG के Chief. NSG की बात यहाँ पर करते हैं। 1984 में establish किया गया था। National Security Guard was established as an anti-terrorism unit. ये एग्जिस्टेंस में आया बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जिसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक्ट 1986। होम मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है एनएसजी। एनएसजी के हेड को डायरेक्टर जनरल बोला जाता है। इट इज़ सिलेक्टेड एंड अपॉइंटेड बाय होम मिनिस्टर। एनएसजी का मोटो है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा और एनएसजी एज ए फेडरल कंटिजेंट फोर्स हैज़ बिन गिवन द स्पेसिफिक रोल टू डील विद ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ टेररिज्म इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। यहाँ इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात कर लेते हैं तो ये इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी और काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये भी आती है। स्टेब्लिश हुई थी आईबी 1887 में एज द सेंट्रल स्पेशल ब्रांच। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। 1968 तक आईबी ने डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों तरह के इंटेलिजेंस को हैंडल किया, लेकिन इसके बाद रॉ बना दिया गया फॉरेन इंटेलिजेंस के लिए। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग हमारे यहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी है, फॉरेन इंटेलिजेंस के लिए इसको स्पेसिफिकली बना दिया गया है। और आईबी का अब काम है डोमेस्टिक इंटेलिजेंस और इंटरनल सिक्योरिटी को देखना। व्हाट डे इज वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेटेड ईच ईयर? वर्ल्ड अर्थ डे को 22 अप्रैल को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। थीम इस बार की है प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक्स। ये इंपॉर्टेंट थीम है, याद रखिएगा। और पर्पस क्या है इसका? टू रेज अवेयरनेस ऑफ द रैपिडली राइजिंग लेवल्स ऑफ पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज एंड अदर सर्कमस्टांसिस दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू डैमेजिंग। Who has been appointed as the managing director of the company by Intel for India? तो ये MD अभी संतोष विश्वनाथन को बनाया गया है। इंडिया रीजन का जो इंटेल है उसके MD बनाए गए हैं संतोष विश्वनाथन। इंटेल के फाउंडर्स हैं गॉर्डन मूर और रॉबर्ट नॉयस। CEO हैं पैट्रिक पी गेलसिंगर और हेड क्वार्टर है इंटेल का कैलिफोर्निया USA में। यहाँ पर वर्ल्ड की लीडिंग कंपनीज के CEOs देख लेते हैं। एप्पल के CEO हैं टिम कुक, माइक्रोसॉफ्ट के हैं सत्य नडेला, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के हैं अडार पूनावाला, टाटा सन्स के हैं नटराजन चंद्रशेखरन, मास्टर कार्ड के हैं माइकल माइबेक, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के हैं रोहित जावा, TCS के हैं के कीर्तिवसन और इन्फोसिस के हैं सलील पारेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज अवॉर्डेड द मालकॉम आदिशेषिया अवार्ड इन 2024? 2024 का ये अवार्ड सुरेंदर एस जोधका को दिया गया है। लास्ट टाइम का आप लोगों को याद होगा हमने देखा था उत्सा पटनायक को मिला था मालकॉम आदिशेषिया अवार्ड। अभी 2024 में प्रोफेसर सुरेंदर एस जोधका को मिला है फ्रॉम JNU। इसके अलावा एसोसिएट
प्रोफेसर हैं विकास कुमार अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी से, इन्हें एलिजाबेथ एडिसेशिया अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर अवार्ड्स और ऑनर्स रिवाइज कर लेते हैं। इसराइल के मैथमेटिशियन हैं अवी विक्टरसन, इन्होंने जीता है ACM AM टूरिंग अवार्ड। स्काईट्रेक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में दोहा का हमाद जो है ये वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट रहा है। इंडिया ने 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते हैं मैथमेटिकल ओलंपियाड 2024 में। अमिताभ बच्चन को लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है। कमिंस, पैट कमिंस और नेट स्कीवर ये विजडन लीडिंग क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड रहे हैं। कन्नड़ पॉइट हैं ममता जी सागर, इन्होंने इंटरनेशनल लिटरेचर प्राइज़ जीता है। डॉक्टर गगनदीप कंग ने जॉन डिर्क गैडनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड जीता। जॉर्ज लुकास ने ऑनररी पाम डी ओर एट किन्स फिल्म फेस्टिवल रिसीव किया। इसरो के चंद्रयान 3 टीम को जॉन एल जैक स्विगर्ड जूनियर अवार्ड दिया गया है। यूलिया नवलनया को मिला है जर्मन डेमोक्रेसी प्राइज। हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ HDFC लाइफ इंश्योरेंस इन अप्रैल 2024। HDFC लाइफ इंश्योरेंस के नए चेयरमैन बने हैं KKM मिश्री। इनसे पहले थे दीपक एस पारेख और इन्होंने रेजिग्नेशन अपना दे दिया है, जिसके बाद नए चेयरमैन बने हैं KKM मिश्री। HDFC लाइफ इंश्योरेंस के CEO हैं विभा पडलकर, फाउंड इसको किया गया था 2000 में और हेडक्वार्टर है मुंबई में। अपॉइंटमेंट्स यहाँ देख लेते हैं। दिनेश कुमार त्रिपाठी बने हैं नेक्स्ट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। शेख अहमद अब्दुल्ला अपॉइंट हुए हैं कुवैत के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में। विवेक अग्रवाल रीअपॉइंट हुए हैं एज डायरेक्टर ऑफ FIU इंडिया। भारत पे ने नलिन नेगी को CEO के रूप में अपॉइंट किया है। आइसलैंड ने अपॉइंट किया है जर्नी बेनेडिक्सन को एज PM। जस्टिस अनिरुद्ध बोस नेशनल जुडिशियल एकेडमी के हेड बने हैं। अनुराग कुमार जॉइंट डायरेक्टर बने हैं CBI में। पीटर पेलेग्रिनी स्लोवाकिया के प्रेसिडेंट हैं। श्रीनिवास पालिया ये विप्रो के CEO हैं और साइमन हैरिस आयरलैंड के यंगेस्ट PM बने हैं। वेयर वर द फॉसिल्स ऑफ द कोलोसल स्नेक वासुकी फाउंड इन इंडिया। वासुकी स्नेक जो है एंशियंट टेक्स्ट में और जो स्टोरीज हैं उनमें हम सुनते हैं इसका नाम। वासुकी सांप के जो जीवाश्म में है वो गुजरात में पाए गए हैं। ये जो है वासुकी वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्नेक है दैट एवर एग्जिस्टेड इन गुजरात। साइंस में इसे वासुकी इंडिगस के नाम से जानते हैं और हिंदू माइथोलॉजी में वासुकी के नाम से इस स्नेक को जाना जाता है। गुजरात में इसको पाया गया है, इसके फॉसिल्स को। हु इनॉग्रेटेड दिगांतराज ग्लोबल हेडक्वार्टर्स इन बेंगलुरु। इसे इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। दिगंतरा स्पेस सेक्टर का स्टार्टअप है और बेंगलुरु में इसका ग्लोबल हेडक्वार्टर्स अभी इस्टेब्लिश किया गया है। एस सोमनाथ ने इसे इनॉग्रेट किया है और यहां से फर्स्ट एवर स्पेस सर्विलांस सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा बेंगलुरु में। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन प्लेयर रिसेंटली प्लेड 250 IPL मैचेस। ये कौन से हैं? रोहित शर्मा हैं। ही बिकेम द ओनली सेकेंड प्लेयर इन द लीग हिस्ट्री टू रीच द मार्क आफ्टर महेंद्र सिंह धोनी। दिनेश कार्तिक ने 249 मैचेस खेले हैं IPL के, विराट कोहली ने 244। ठीक है, रोहित शर्मा जो है 250 खेलने वाले बने हैं, सेकेंड बने हैं। इनसे पहले महेंद्र सिंह धोनी भी ये जो माइलस्टोन है उसको पूरा कर चुके हैं। रोहित ऑल्सो रीच्ड 6500 रन्स इन द IPL बिकमिंग द ओनली फोर्थ बैटर। इनसे पहले नंबर पर विराट कोहली हैं 7624 रन बनाने वाले, फिर शिखर धवन है, उसके बाद डेविड वार्नर और फोर्थ नंबर पर आते हैं रोहित शर्मा। IPL की बात यहाँ कर लेते हैं। BCCI के द्वारा IPL को ऑर्गेनाइज किया जाता है। 2008 में IPL की शुरुआत हुई थी। 20 ओवर की क्रिकेट लीग होती है। 8 फ्रेंचाइज टीम इसमें पार्टिसिपेट करती थी। 2022 में 10 टीम्स आ गई हैं। ये जो 10 टीम्स हैं कौन सी है? चेन्नई सुपर किंग्स, गुजरात टाइटंस, लखनऊ सुपर जायंट्स, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद। सबसे ज़्यादा बार मैचेस जीते हैं मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स ने। दोनों के ही 5-5 टाइटल हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, स्पोर्ट्स न्यूज़ रिवाइज कर लेते हैं। दीपिका सोरेंग ने जीता है असुंता लाकरा अवार्ड फॉर अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर। इंडिया ने एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में 9 मेडल जीते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद ने IPL में हाईएस्ट रन का रिकॉर्ड बनाया है। अर्जुन कढ़े और जीवन नेदुन चेजियान ने चैलेंजर का खिताब जीता है मेक्सिको में। इंडोनेशिया के क्रिस्टी ने जीता है एशिया बैडमिंटन क्राउन। रश्मि कुमारी ने नेशनल वुमेन्स कैरम टाइटल जीता है फॉर द 12th टाइम। हरेंद्र सिंह रीअपॉइंट हुए हैं इंडिया के वुमेन टीम के हॉकी टीम के कोच। ऐश्वर्या मिश्रा ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नोवाक जोकोविच और रोहन बोपन्ना दोनों ओल्डेस्ट नंबर 1 प्लेयर रहे हैं। मोहम्मडन स्पोर्टिंग ने जीता है मेडन आई लीग टाइटल और रेड बुल के मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है F1 जापानीज ग्रैंड प्रिक्स 2024।
अब लास्ट में एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड्स स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2024 रिपोर्ट, हाउ लॉन्ग इज इंडियाज पॉपुलेशन एस्टिमेटेड टू डबल, कब तक इंडिया की पॉपुलेशन डबल हो जाएगी 2024 की स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है, ये बताइएगा आंसर में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच, आप सबकी हेल्प के साथ ही ये माइलस्टोन को पूरा किया है हम लोगों ने और इस म्यूचुअल रिलेशन को और आगे तक लेकर जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।